नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ सीमा बोरा। दोस्तों, आज हम आपको हिप्स और थाई में बड़े हुए फैट को दूर करने वाले कुछ लाभकारी अभ्यास बताएंगे। इन अभ्यासों के नियमित 10 से 15 मिनट प्रैक्टिस करने से आप अपने लोअर बॉडी फैट की समस्या को दूर कर सकते हैं। आइए देखते हैं कि इन अभ्यासों को कैसे प्रैक्टिस किया जाता है। दोस्तों, हिप्स और थाई में बड़े हुए फैट के कारण हमारा पूरा शरीर बैडॉल सा दिखाई देता है। आफ्टर डिलीवरी या सर्जरी के बाद महिलाओं के लोअर बॉडी फैट की बढ़ने की समस्या होती है, और जो लोग सिटिंग जॉब वाले होते हैं उन लोगों को भी अक्सर हिप्स और थाई में फैट बढ़ जाता है। इन अभ्यासों को आप वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस कीजिए। इसमें सबसे पहला अभ्यास हम करेंगे व्याघ्रासना, जिसे टाइगर पोज भी कहा जाता है। ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर आपने बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं, और इसके बाद आपने अपने राइट पैर को ऐसे बिल्कुल सीधा पंजा ऐसे तानते हुए ऐसे सीधे देखते हैं, और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, और अपने पंजे को ऐसे अपने सिर के समीप लाने की कोशिश कीजिए, और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे अपने नाक पर लगाने की कोशिश करें, और फिर नीचे फिर दूसरे पैर से ऐसे अपने पैर को बिल्कुल सीधा रखते हैं, सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने पंजे को ऐसे अपने सिर पर लगाने की कोशिश करते हैं, और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाने की कोशिश करें, ऐसे ही इस अभ्यास को आप 2 मिनट से लेकर 5 मिनट तक श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। इसके बाद आपने शरीर को रिलैक्स करना है। हम करेंगे मरजारी आसन। आपने सबसे पहले ऐसे ही वज्रासना की पोजीशन पर ऐसे बैठ जाते हैं, और अपने दोनों हाथों को ऐसे जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं, और सांस अंदर भरते हुए सबसे पहले अपने शरीर को अपने सिर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, और अपनी फीट को नीचे की तरफ करें, और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को ऐसे नीचे की तरफ करते हैं, सांस अंदर भरते हुए ऊपर और सांस छोड़ते हुए नीचे। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। फिर इसके बाद इसकी नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने अपने दोनों हाथों को थोड़ा सा आगे को कर लेते हैं, और अपने दोनों पैरों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फिट का ऐसे स्ट्रेच रख लेते हैं, और सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, और अपनी पीठ को नीचे की तरफ करना है, 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखें, और सांस छोड़ते हुए ऐसे अपने सिर को नीचे की तरफ करें, और अपनी पीठ को ऊपर की तरफ करें, ऐसे ही 8 से 10 बार करने के बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स करना है। दोस्तों, इसके बाद इस अभ्यास की नेक्स्ट वेरिएशन को करने के लिए आपने ऐसे ही टेबल टॉप की स्थिति पर ऐसे आते हैं, और अपने दोनों घुटनों के बीच में ऐसे आधे फिट का ऐसे स्पेस रख लेते हैं, और अपने हाथों को भी थोड़ा सा आगे कर लेते हैं, और इसके बाद आपने ऐसे अपने हाथ को ऐसे अपने बगल के पास से निकालते हुए ऐसे अपने दूसरे हाथ को ऐसे आगे की तरफ स्ट्रेच करते हैं, और ऐसे 10 सेकंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं, फिर दूसरी साइड से सांस अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को राइट साइड ऐसे ले जाते हैं, कुछ देर होल्ड करके रखते हैं, ऐसे ही 8 से 10 बार प्रैक्टिस करें। चाइल्ड पोज में रिलैक्स करते हैं। दोस्तों,
दोस्तों इसके बाद हम करेंगे भुजंग आसन और पर्वत आसन को एक साथ प्रैक्टिस करेंगे। सबसे पहले आपने ऐसे पेट के बल सीधे लेट जाते हैं, अपने दोनों पैरों को ऐसे आपस में मिला लेते हैं और इसके बाद अपने दोनों हाथों को ऐसे अपने कंधों के पास ऐसे रख लेते हैं। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने शरीर को पीछे की तरफ स्ट्रेच करें और श्वास छोड़ते हुए ऐसे पर्वत आसन की पोजीशन पर आइए। श्वास अंदर भरते हुए पीछे और श्वास छोड़ते हुए पर्वत आसन। ऐसे ही इस अभ्यास को आप 8 से 10 बार श्वास प्रश्वास के साथ कीजिए। दोस्तों हिप्स और थाई में बड़े हुए फैट को दूर करने के लिए अब हम करेंगे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग को वेरिएशन के साथ प्रैक्टिस करेंगे। दोस्तों डाउनवर्ड फेसिंग डॉग एक बहुत ही सरल अभ्यास है। इस अभ्यास को करने के लिए आपने ऐसे ही बजरंगना की पोजीशन पर ऐसे ही बैठ जाते हैं और अपने दोनों हाथों को जमीन पर ऐसे रखते हुए ऐसे टेबल टॉप की स्थिति पर आते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे डाउनवर्ड फेसिंग डॉग की पोजीशन पर आते हैं। 10 सेकेंड ऐसे ही होल्ड करके रखते हैं और इसके बाद आपने श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने राइट पैर को ऐसे ऊपर ले जाते हैं। आपका पैर बिल्कुल सीधा पंजा ऊपर की तरफ तना हुआ हो और श्वास छोड़ते हुए ऐसे अपने घुटने को ऐसे नाक पर लगाने की कोशिश करें। श्वास अंदर भरते हुए ऐसे अपने पैर को ऊपर ले जाते हैं और श्वास छोड़ते हुए ऐसे घुटने को नाक पर लगाइए। ऐसे ही दोनों पैरों से इसे 8 से 10 बार कीजिए। फिर इसके बाद आपने चाइल्ड पोज में रिलैक्स कीजिए।